संकलित मूल्यमापन चाचणी क्रमांक 2, इयत्ता 7वी, विषय हिंदी, एकूण गुण 50। प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। ब, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखो। वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ लिखो। एक, हमारी शब्द संपदा बढ़ती है। दो, हमें बुद्धिमत्ता और समझ प्राप्त होती है। तीन, कम से कम शब्दों में विचार प्रकट कर सकते हैं। प्रश्न 2, हरे घोड़े के संदर्भ में बीरबल की चतुराई का वर्णन करो। उसने बादशाह के सामने घोड़ा देखने की ऐसी शर्त रखी कि जिसे पूरा करना बादशाह के लिए असंभव था। सप्ताह के 7 दिन के अलावा वे किसी भी दिन घोड़ा देख सकते थे। क, जोड़िया लगाओ। पाठशाला, विद्यार्थी, डॉक्टर, दवाखाना, सैनिक, देश की सीमा, माली, बगीचा। विरुद्धार्थी शब्द लिखो, केवल 2, रात, दिन, पागल, समझदार, सुबह, शाम। प्रश्न दूसरा, अ, मुहावरों के अर्थ लिखो। खाट पकड़ना, बीमार होना, बेटे की जाने की खबर ने मां ने खाट पकड़ ली। 2, हथियार डालना, आत्मसमर्पण करना, बच्चों के जिद के आगे दादाजी ने हथियार डाल दिए। कहावतों का अर्थ लिखो। दूध का दूध, पानी का पानी करना, सत्य उजागर करना, जासूस ने सच्चाई बताकर दूध का दूध और पानी कर दिया। जहां चाह वहां राह, इच्छा का अभाव न होना। काम करते समय हमेशा ध्यान में रखो, जहां चाह वहां राह। नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ लिखो। आतंक, भय, सेविका, दासी, किस्सा, चुटकुला, तकलीफ, दर्द। नीचे दिए गए हुए वाक्यों में से क्रिया विशेषण के अव्यय लिखो। एक, राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। चुपचाप। माँ आज अस्पताल जाएगी। आज। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। धीरे धीरे। नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों से वाक्य बनाओ। नम्र, गुरुओं के प्रति हमें हमेशा नम्र होना चाहिए। सत्य, सत्य वचन हमें जीवन में यादगार बनाते हैं। साहस, कनिष्का और आर्यन हमें साहस सिखाते हैं। वाक्य के केवल 4 प्रकार लिखो। विधानार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, अज्ञार्थक वाक्य, संभावनार्थक वाक्य। इनमें से कौन से भी 4 अपनी मर्जी से लिखो। प्रश्न तीसरा, उत्तर लिखो। भाषा समृद्ध कैसे होती है?
भाषाओं के शब्द अन्य भाषाओं से मित्रता कर लेते हैं और उनमें घुल मिल जाते हैं। तमिल जैसे कुछ भाषा के शब्द अपने परिवार तक ही सीमित रह जाते हैं। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। हम सब एक है, इस विषय पर आपका विचार लिखो। इतनी विविधताओं के बावजूद भी सभी जाति धर्म और संप्रदाय के लोगों को एक समान अधिकार और स्वतंत्रता है, जो भारतीय संस्कृति के गौरवशाली इतिहास को और गौरवान्वित करता है। अनेकता में एकता और समानता की इस भारतीय संस्कृति के चलते ही आज हिंदुस्तान के सभी नागरिक हम सब एक है का नारा बुलंद करते हैं। कनिष्का और आर्यन की वीरता पुरस्कार घोषित होने का कारण बताओ। बड़ी बहादुरी से वे दोनों रात के अंधेरे में हवेली पर पहुंचे और वहां मौज मस्ती करते हुए डाकुओं की तस्वीरें खींच ली। थानेदार को उनकी तस्वीरें और छुपने का स्थान बताकर न केवल डाकुओं को पकड़वाया बल्कि भूतों के अंधविश्वास से सबको मुक्त किया। नीचे दिया हुआ विषय पर चार या पांच पंक्तियां लिखो। देश के सैनिक। सैनिक वह इंसान होता है जो पूरे देश को अपना परिवार समझता है और सीमा पर डटकर सबकी रक्षा करता है। वे दिन रात मेहनत करके दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं और सच्चे देशभक्त कहलाते हैं। उनका जीवन बहुत ही कठिन होता है, फिर भी वे हमारी रक्षा डटकर करते हैं।